नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा सोनी। मध्य प्रदेश में शनिवार तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 165 तक पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर में 115 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मुरैना में 12, भोपाल में 15, जबलपुर में 9, उज्जैन में 7, ग्वालियर शिवपुरी में 2-2 और खरगोन और छिंदवाड़ा में 1-1 संक्रमित मिला है। जबकि मध्य प्रदेश में अब तक 10 की मौत हो चुकी है, जिनमें से इंदौर में 6, उज्जैन में 2, खरगोन और छिंदवाड़ा में 1 पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2301 के पार पहुंच गई है, जबकि 56 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 336 नए पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक घटना के कारण देश के 14 राज्यों में जो मरीज बढ़े हैं उनकी संख्या 647 है। उन्होंने सभी से अपील की है कि एक व्यक्ति की सेफ्टी से ही सबकी सेफ्टी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। चौहान कोविड-19 की रोकथाम और इसे नियंत्रित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि इस महामारी को परास्त करने के लिए कुछ और कदम उठाने हैं, जिसके संबंध में आज रात 8 बजे आपसे संवाद करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि कल रविवार को सब मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देकर उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराएंगे। इसलिए 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए घर की सभी लाइटें बंद कर घर के दरवाजे या बालकनी पर खड़े रहकर 9 मिनट तक मोमबत्ती, दिया या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के 11वें दिन सभी शहरों में सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। सभी जिलों में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने की खबरें भी आ रही हैं। पत्रिका की अपील है कि आप भी अपने परिवार के साथ घरों में रहें और सुरक्षित रहें।